महिला सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर आयुष विभाग द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर में महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर नगरपालिका अध्यक्ष रेणु सुजीत गर्ग ने भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया, जहाँ शिविर में डिप्टी कमिश्नर राजावत, महिला बाल विकास अधिकारी पांडे, नगरपालिका सीएमओ मटसेनिया, सीएमएचओ डॉक्टर यादव, सिविल सर्जन डॉक्टर सिखरवार, आयुष विभाग के जिलाधिकारी डॉक्टर जी पी वर्मा मंच पर उपस्थित रहे, जहां मंचासीन अतिथियों का आयुष विभाग ने माल्यार्पण कर औषधि पौधे प्रदान कर स्वागत सम्मान किया। वहीं आयुष विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से महिला चिकित्सकों द्वारा महिला रोगों से संबंधित समस्त रोगों का परीक्षण किया। वहीं शिविर में ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच भी निःशुल्क की गई। इतना ही नहीं, शिविर में महिलाओं के परीक्षण उपरांत महिलाओं को रोगों से संबंधित दवा भी मुफ्त में वितरित की गई, जहां आयुष विभाग द्वारा महिला स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लगभग 1000 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवा दी गई। स्वास्थ्य शिविर में जिला आयुष विभाग के सभी डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं प्रदान कर लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। वहीं लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अपनाने के लिए जागरूक भी किया। वहीं शिविर के माध्यम से समझाया देते हुए बताया गया कि आयुर्वेदिक दवाओं का स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि आयुर्वेदिक दवा से रोग जड़ से समाप्त होते हैं। आयुष विभाग द्वारा जिला चिकित्सालय में यहाँ रोग परीक्षण को लेकर के शिविर लगाया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि महिलाओं का भी परीक्षण किया जाएगा। महिलाओं का विशेष रूप से परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई और होम्योपैथिक दवाई, इनके साइड इफेक्ट बहुत कम है और इससे गर्भस्थ शिशु को भी बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि इस पर साइड इफेक्ट बहुत से कम होंगे। इसीलिए ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिससे हमारे आयुष विभाग को भी बहुत बल मिलेगा। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ये आयुष विभाग द्वारा जो उपचार किया जाएगा उससे मातृत्व और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी? बिल्कुल आएगी, निश्चित रूप से आएगी। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे देश की पैथी है, आयुष विभाग में आयुर्वेद है, तो इसको भी बल मिलेगा। आयुष विभाग द्वारा ये जो कैंप लगाया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर ही ये कैंप लगाया है, तो क्या क्या अपन आयुष विभाग की तरफ से किन किन रोगों का यहाँ उपचार कर रहे हैं और क्या परीक्षण कर रहे हैं? यहाँ पर जो स्त्री जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर कैंप में शिविर में आ रही हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और उनकी बीपी, शुगर वगैरह इनकी जांच की जा रही है। स्त्री से संबंधित उनमें जो रोग है, स्त्री रोग से संबंधित जो बीमारियां हैं, बच्चेदानी की घाट है, अत्यधिक महामारी है, महावारी है, और अपने जो बीपी है, शुगर है और उन बंध्यत्व, इस तरह की बीमारियां जो है उनका इलाज यहाँ पे महिला चिकित्सकों द्वारा की जाएगा और उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधि वितरण की जाएगी। अनुमानित कितने महिला और पुरुषों का यहाँ उपचार किया जाएगा, ऐसा कुछ अनुमान लगा सकते हैं? अनुमानित में 500 से 1000 महिलाएं के आसपास आने की संभावना है जी, जिसमें हमने कल प्रचार प्रसार भी सभी वार्डों में कराया था। यानी आपके द्वारा किए गए प्रचार प्रसार का परिणाम स्वरूप यहाँ पे महिलाओं की तादाद लगभग 1000 के लगभग हो सकती है? हाँ, अभी तक तो 150 के लगभग हो गई है। अभी तक 150 महिलाएं आकर के अपना परीक्षण करवा चुकी हैं और अभी और भी आने की संभावना है। ठीक है।